चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा है कि इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और कराची के बलदियाती इलेक्शन में ताखिर नहीं हो सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में कराची हैदराबाद में बलदियाती इंतखाबात से मुतल्लिक दोहरी इलेक्ट्रोल फहरिस्तों के मामले पर MQM की दरख्वास्त पर समात हुई। दौरान समात चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने MQM के वकील से कहा कि आप मुख्तलिफ फोरम्स पर गए लेकिन पहले कभी ये मसला नहीं उठाया। आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में गए लेकिन ये मामला पहली बार उठाया है। कोई और भी मसला है तो वो भी आज ही उठा लें ताकि हम इकट्ठे सुन लें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने MQM के वकील से कहा कि आप गलत बयान दे रहे हैं, हम आपकी बात को मुस्तरद करते हैं कि दोहरे इलेक्ट्रोल रोल्स पर इलेक्शन हो रहे हैं। आप समझते हैं कि आप इलेक्शन में ताखिर करवा लेंगे, आपके अब तक के दलाइल गैर मुतल्लिका हैं। सिकंदर सुल्तान राजा का कहना था कि कराची के बलदियाती इलेक्शन में ताखिर नहीं हो सकती, इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। बाद अज़ा इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी बेंच ने दलाइल सुनने के बाद MQM की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है।